अस्सलाम, मैं आपको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मुजाहद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बना रहे हैं दही भल्ले। दही भल्लियाँ भी आप इसको कह सकते हैं। उसके लिए हमने ये भल्लियाँ ले ली हैं, बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। सबसे पहले आपने इसको भिगो लेना है और भिगो के फिर इसको निकाल लेना है। हमने भिगो के रखी हुई थी, अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये भल्लियाँ। माशाल्लाह हमने भल्लियाँ ऐड कर दी हैं। अभी उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये प्याज, हमने ये काट के रखी हुई थी, ये ऐड कर देते हैं। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्च है, ये हम ऐड करेंगे। अभी हम थोड़ी ऐड करेंगे क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम थोड़ी सी ऐड करेंगे, इसलिए आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही हरा धनिया और पुदीना इसमें शामिल कर लेते हैं। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की रंगत आई है। तो हमारे गरीब से चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं टमाटर। ये देख लें कितनी खुशगवार किस्म के टमाटर हैं, ये ऐड कर देते हैं, बड़े प्यारे से टमाटर। कितनी खूबसूरती आ गई इसमें आप देख सकते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ये आलू। ये बॉयल करके हमने रखे थे और काट के रखे थे, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बहुत ही कम वक्त में बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनती है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी जो इसकी जान बना देने वाली चीज़ है वो अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये इसकी जान बना देगी, ये देख लें दही, ये दही इसकी जान बना देगी। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है। और आपने गाढ़ी दही ले लेनी है, बाज़ार से मिल जाती है वो वाली दही लेनी है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं हिसाब के साथ, जितना आपने लेना है वो उस तरीके से नमक डाल दें। ये देख सकते हैं, ये हमने चाट मसाला ले लिया है, ये आप इसके अंदर डाल दें। ये और इसके साथ ही काली मिर्च, इसके अंदर थोड़ी सी हम काली मिर्च ऐड कर देते हैं। अभी हमने इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म के हमारे दही भल्ले तैयार हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड शुक्रिया। एक और नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।